एपिसोड 116 116। श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लेवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लेवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई। चंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमो रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखीन समेत सयानी विप्रवधू कुल प्रीत बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई नारी बेश जे सुर बरबामा सकल सुहाय सुंदरी श्यामा तिन्हि देखि सुख पावहि नारी बिनु पहचानी प्राण हुते प्यारी आई थी।
सादर सजि सुमंगल भामिनी नव सप्त साड़ी सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कल गान सुनि मुनि ज्ञान त्यागनि काम कोकिल लाजनि मंदिर रूपुर कलित कंकन ताल गति भर बाजनि 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 सुंदरता बरनी न जाए लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीखी बरातिन सीता रूप रासी सब भांति पुनीता सब ही मन ही मन किए प्रणामा देख राम भय पूरन कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद जेता सुर प्रणाम करी बरी सही फूला मुनि असीस धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी एहि पिथिसीय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू दुहु कुल गुर सब कीन अचारू मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजे समय मुनि मन महु चहे भर कनक को पर कलश सोतब यही परिचारक रहे कुल रीति प्रीति समेत रवि कही चेत सब सादर कियो यही भांति देव पुजारी सुभग सिंहासनु दियो सुभग सिंहासनु दियो सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहु न लगि परे मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले विप्रवेश धरि वेद सब
कही विवाह विधि देही।